मुंबई में बारिश ने दस्तक दी है और इसका सबसे बड़ा फटका ये रेलवे को हुआ है। पहले ही बारिश में रेलवे सेवा प्रभावित हुई है। कुर्ला और सायन में पानी जमने से रेलवे की सेवा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई। अगर हम इसके पूरे डीप में जाते हैं तो पिछले 12 सालों में महानगर पालिका ने रेलवे को 30 करोड़ रुपया दिए हैं ताकि उस रेलवे के कलवट की सफाई हो जिसकी वजह से पानी जमता है। आज मध्य रेलवे में 53 कलवट है, पश्चिम रेलवे में 41 कलवट है और हार्बर रेलवे में 22 कलवट है। ऐसे कुल मिलाकर 116 कलवट पर पिछले 12 वर्षों में उन्होंने 30 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस बार रेलवे ने मुंबई महापालिका से अनुरोध किया था कि आप कलवट की सफाई करें, इसलिए मध्य रेलवे के सीएससी से लेकर मुलुंड तक यह कलवट की सफाई महापालिका ने की है। मगर दुर्भाग्य से किस तरह की सफाई की है, पानी क्यों जम गया है, इसका कारण कोई भी नहीं दे रहा है। सूचना के अधिकार के तहत भी जब भी इस तरह की जानकारी मांगी जाती है तब इसका ऑडिट नहीं होता है, ना कितना आपने मलबा निकाला, कितने पैसे खर्च हुए, इसका कोई भी विवरण ना रेलवे के पास है ना महानगर पालिका के पास है। इस तरह 30 करोड़ रुपए अपने पानी में तो नहीं बहा दिए, ये सवाल हर एक मुंबईकर इसीलिए पूछ रहा है कि ना इसकी ऑडिट है ना इसकी कोई रिपोर्ट उन्होंने सार्वजनिक की है। हमारी रेलवे प्रशासन के पीयूष गोयल हो या मुंबई मनपा के आयुक्त चहल साहब हो, सारी की सारी रिपोर्ट को सार्वजनिक करें, 30 करोड़ का हिसाब मुंबईकरों को दे ताकि ये 30 करोड़ रुपए जो खर्च हुए हैं एग्जैक्टली किस पर खर्च हुए, किस ठेकेदार पर आपने मेहरबानी की और ये जो मलबा कहां पर डाला, इसकी जानकारी आम मुंबईकरों को मिल पाएगी।